भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस खंडेरी आज नौसेना में शामिल हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की मौजूदगी में आईएनएस खंडेरी के साथ पीठल ए वर्ग के पहले युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी और युद्धपोतों को खड़ा करने के लिए ड्राई अड्डों का भी मुंबई नेवल डॉक यार्ड पर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राजनाथ ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं उन्हें वैश्विक समर्थन मिल रहा है, लेकिन पाक इस मुद्दे पर हर किसी के दरवाजे पर जाकर कार्टून बनाने वालों के बीच मजाक का मुद्दा बना है। कार्टून मेकर्स के बीच मजाक बना है। पाकिस्तान आईएनएस खंडेरी को नौसेना को सौंपते हुए राजनाथ ने कहा, इस सबमरीन की प्रेरणा खतरनाक स्वॉर्ड टूथ फिश मछली की एक प्रजाति सिली गई है। यह मछली गहरे समुद्र में तैरकर शिकार करती है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पड़ोसी देश को यह समझना होगा कि हमारे देश की मजबूत इच्छा शक्ति और बढ़ती नौसैनिक क्षमता से हम उसे कभी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बार में 45 दिन तक समुद्र में रह सकती है आईएनएस खंडेरी। 40 से 45 दिन तक पानी में रहने और एक बार में 12,000 किमी की दूरी तय करने की क्षमता वाली यह पनडुब्बी 350 मीटर की गहराई तक उतर सकती है। सबमरीन में आधुनिक एंटी सरफेस एंटी सबमरीन हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सर्विलांस के लिए बेहद तेज संचार उपकरण भी लगाए गए हैं, जिससे दुश्मनों की साजिशों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के मुताबिक खंडेरी के नौसेना में शामिल होने और नीलगिरी की लॉन्चिंग के साथ नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉन्चिंग कार्यक्रमों के बाद रक्षा मंत्री शनिवार शाम से लेकर रविवार दोपहर तक आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना का अभ्यास देखेंगे। इसमें मिसाइल फायरिंग से लेकर समुद्र के ऑपरेशन भी शामिल होंगे। 2009 से बन रही है आईएनएस खंडेरी पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में 7 अप्रैल 2009 को शुरू हुआ था। 12 जनवरी 2017 को इसे लॉन्च किया गया और इसका नामकरण हुआ। 1 जून 2017 से इसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। सितंबर 2019 तक कड़े समुद्री परीक्षण और सभी प्रकार के हथियारों की टेस्टिंग होने के बाद 19 सितंबर को खंडेरी को नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस खंडेरी में 750 की ग्रावजन की 360 बैटरियां। आईएनएस खंडेरी में तैनात इलेक्ट्रिक ऑफिसर कमांडर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि इस पनडुब्बी में कुल 360 बैटरी हैं। इसमें से प्रत्येक बैटरी का वजन 750 की ग्रा है। उन्होंने बताया कि इसमें लगी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्शन मोटर इसी कई विशेषताओं में से एक है। इसकी वजह से यह पनडुब्बी समुद्र में एकदम साइलेंट रहती है, जिससे दुश्मन देश को पता ही नहीं चलेगा कि उसके समुद्री इलाके में कोई पनडुब्बी है। इसके अलावा 1250 किलोवाट के 2 डीजल इंजन भी हैं। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगे हैं। इसमें से 2 ट्यूब से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसके भीतर कुल 12 टॉर्पीडो रखने की व्यवस्था है। आईएनएस खंडेरी की खासियत इसकी लंबाई लगभग 67.5 मीटर और चौड़ाई 12.3 मीटर है। समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक गोता लगाने की क्षमता। यह पनडुब्बी 12,000 किमी की दूरी तक गहरे समुद्र में सफर कर सकती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत देश के भीतर बनी स्कॉर्पियन श्रेणी की आईएनएस खंडेरी दूसरी पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की बनी पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी है। आईएनएस खंडेरी समुद्र के अंदर पानी में लगभग 20 समुद्री मील और पानी के ऊपर 11 समुद्री मील की रफ्तार से चलने में सक्षम है।